स्वागत है मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले कॉन्टेक्ट टिकट को किस तरह ऑनलाइन कैंसिल किया जाए और रिफंड का क्या प्रोसेस है और कौन कौन इसे कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितना टाइम लगता है रिफंड लेने के लिए और क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इसे ऑनलाइन कैंसिल करने के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। ये बात तो आप जानते हैं कि IRCTC की वेबसाइट को यूज़ करके आप कॉन्टेक्ट टिकट घर पर बैठे बैठे कैंसिल कर सकते हो, यानी कि वहाँ जाने की जरूरत है ही नहीं, काम सॉर्टेड हो गया। बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है कॉन्टेक्ट टिकट पर, इसका मतलब ये सुविधा आप ले ही नहीं सकते हो। यानी कि इसे करने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूट पे होता है PNR नंबर। जैसे आप डालोगे, जैसे आप PNR नंबर आप यहां पे इसके वेबसाइट पे डालते हो, सीधा बात है OTP आएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर जब आपने बुकिंग के टाइम पे नहीं दिया होगा ना, तो OTP आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो यानी कि आपको अपना गाड़ी निकालना पड़ेगा और आपको जाके नियर बाय PRS यानी कोई भी काउंटर टिकट पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपका ये ऑनलाइन सुविधा तो यहां पे मिल नहीं सकता अगर नंबर अटैच नहीं है तो OTP तो आएगा नहीं। तो चलो छोड़ देते, जिसको OTP मिल सकता है उसका वो क्या ऑप्शन यूज कर सकता है। तो जैसे आप यहां पे कैंसिल कर देते हो तो रिफंड के लिए आपको जाना ही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिफंड आपको ऑनलाइन मिलेगा। ये चीज़ तो आप समझ लीजिए, अगर आप डेबिट कार्ड से भी पैसा भरते हो काउंटर टिकट पे तो भी आपको रिफंड के लिए जाना है, अगर आप कैश देते हो तो भी आपको रिफंड के लिए जाना है। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कार्ड स्वाइप कर दिया तो घर पर मिल जाएगा रिफंड, ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है। तो आप किसी तरह का भी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कीजिए, आपको वहाँ जाकर ही निकालना है अगर आपके पास काउंटर टिकट है। बट ऑप्शन जो है ये किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन काउंटर टिकट कैंसिल करने की बेनिफिट्स क्या है कस्टमर्स को, तो ये है आपके पैसे को लेके यानी चार्जेस को लेके आप बहुत अच्छा खासा एक डिसीजन बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स में चल रहे हो और आपको इनकेस वो टिकट कैंसिल करवाना है, तो आप घर से बैठे बैठे तो कैंसिल करवा लेते हो, बट आपको ये याद रखना है ट्रेन के डिपार्चर से 4 घंटे पहले आपको रिफंड भी कलेक्ट करना है। ये आपको हमेशा याद रखना, अगर एक बार ट्रेन जो है डिपार्ट हो गई तो उसके बाद आपको कोई इस चीज़ पर रिफंड दिखने के लिए नहीं मिलता है। बट मेरा मानना ये है ना यार, देखो यार, किसी भी हालत में रिफंड के लिए तो आपको जाना पड़ रहा है, तो मेरा मानना है ये ऑप्शंस तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तब अगर नहीं मिल रहा है तो आप बेटर है कि आप जाके ले लीजिए। तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए यार, नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसे 72 आवर्स पहले यानी आपके जो डिपार्चर टाइम है उसे 72 आवर्स पहले आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे ये जो काउंटर टिकट है कैंसिल कराना है, तो आपको क्या मिलता है, नॉर्मल कैंसिलेशन चार्जेस जो भी होते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे भले ही आप 4 घंटे के पहले जाके टिकट ले रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि 4 घंटे से पहले जाके रिफंड ले लो, ये याद रखना आपको, अगर आपने टिकट 72 आवर्स पहले आपने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, टाइम आप कभी भी निकाल लीजिए, पहले आपने तो कैंसिल कर ही दिया है और कैंसिलेशन मैसेज भी और रिफंड अमाउंट भी आपको दिखा रहा होगा। आप कोई भी नियर PRS स्टेशन या जो भी आपका काउंटर टिकट है यानी ऑफलाइन टिकट होता है वहाँ जाइए और पैसे ईजिली कलेक्ट कर लीजिए, बट याद रखना 4 घंटे पहले ही करना है। तो देखिए यहाँ पे जा रहे सारे जो भी क्वेश्चन थे, जो डाउट थे, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिए। काफ़ी सारे मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए IRCTC से रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये क्या असली में काउंटर टिकट भी कैसे कैंसिल किया उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देखिए और मज़ा आएगा। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहीं तक रखते हैं, कोई भी एंगल से आपको वीडियो पसंद आता है आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देना। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।